गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. तो ये एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो है. अगर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पहले से ही लाइक का बटन दबा दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से. क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि किडनी को क्लेंस कैसे करते हैं. एंड किडनी क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. किडनी और लिवर एक ऐसी चीज है जो कि उसका क्लेंस होना बहुत जरूरी होता है वंस इन अ वाइल. जैसे कि आप बहुत ज्यादा पानी पियो ना तो ऑटोमेटिकली वो भी क्लेंस हो जाता है. बट देन डीप क्लेंजिंग, जैसे आपके घर को भी जरूरत होती है ना, वैसे ही आपकी बॉडी पार्ट्स को भी जरूरत होती है. तो आपको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एंड आजकल के जमाने में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जैसे कि कुछ लोग हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, हैवी स्मोकर्स होते हैं, तो उनके लिए ना ये बहुत जरूरी हो जाता है. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो लोग शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं उन्हीं को ये करने की जरूरत होती है. बट नॉर्मल लोग भी, हम जैसे लोग भी इसको कर सकते हैं. उससे ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है एंड आपका स्किन अच्छा हो जाता है. क्योंकि आपके बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके चेहरे पे दिखने लग जाता है एंड आपकी बॉडी में भी वो दिखता है. रिफ्लेक्शन हमेशा दिखता है. आप जो काम करते हो ना उसका रिफ्लेक्शन हमेशा दिखता है. आप गूगल करके भी देख सकते हो जो आपको मैं बताने जा रही हूं एंड आज आपको मैं जो सिखाने जा रही हूं. इस बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. तो ये जरूर करके ट्राई कीजिए एंड आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिख जाता है इमीडिएटली. ये वो लोग भी कर सकते हैं जो डायलिसिस पे हैं. ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी आप ये करो, बट ऑन अ जनरल बेसिस पे भी आप ये कर सकते हो. उससे ना बहुत ज्यादा फायदे होते हैं आपकी बॉडी को. पहले ही प्रिकॉशन लेना अच्छा होता है, ना कि बाद में जब आपकी बॉडी में कुछ हो जाए उसके बाद आप प्रिकॉशन लो, उतना काम नहीं करता है. तो पहले से ही अगर आप प्रिकॉशन लोगे ना तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है. जैसे कि आज मैं या जो आपको दिखाने जा रही हूं ना, बहुत सस्ते वाली ट्रीटमेंट है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो एंड ये कहीं भी मिल जाएगा आपको. इंडिया में तो बहुत इजीली अवेलेबल है. एटलीस्ट अगर आप इंडिया से बाहर हो तो उसको ढूंढने की जरूरत पड़ती है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है ये चीज. एंड ये बात भी आप याद रखिएगा, हमेशा चीप वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो काम ना करे. ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आप बहुत ज्यादा पैसे देके कहीं जाते हो तो वही ट्रीटमेंट्स काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है. अगर आप घर बैठे भी कुछ चीप वाले नुस्खे यूज करके भी ट्रीटमेंट करते हो ना तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. दोस्तों, आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूं ना, वो बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही फायदेमंद ट्रीटमेंट है जो आपकी किडनी को बिल्कुल ही क्लेंस कर देगा. तो ये देखिए, इससे आज हम ट्रीटमेंट करेंगे. ये है भुट्टे के बाल. जो आपको पता है ना, जो कॉर्न होता है, भुट्टा होता है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना, वो है ये. तो ऐसे दिखते हैं वो कुछ. तो इसको मैंने बहुत सारा जमा कर लिया है. मैंने इनफैक्ट ये उनसे लिया है जो भुट्टे बेचते हैं ना, उनसे जाके मैंने लिया है. वो किलो के भाव से भी दे देते हैं आपको, बट मुझे ये फ्री में मिल गया क्योंकि जो वेंडर था वो बहुत ही हेल्पफुल था. तो उसने ये दे दिया. उसको भी ये ट्रीटमेंट के बारे में पता था, सोचिए आप. तो ये वाला आपको लेना है. इसको आपको ना 2 लीटर या 3 लीटर पानी में ना इसको उबालना है. उबालना मतलब बॉइलिंग नहीं होना है पानी को, बस बॉइलिंग टेम्परेचर वो आते ही ना उसको बंद कर देना है गैस को. जैसे ही उसमें धुआं आएगा, गर्म हो जाएगा ना, तो उसको बंद कर देना है. फिर छानना है इसको एंड उस पानी को पीना है. तो वही है जो पानी आपकी बॉडी को पूरा क्लेंस कर देगा, आपको किडनी के सराउंडिंग एरिया को ना पूरा क्लेंस कर देगा. उसकी वजह से ना आपका किडनी फंक्शन अच्छा हो जाएगा और ज्यादा, एंड आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा. जैसे इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपके पेट की तकलीफें, एसिडिटी या गैस्ट्रिक जो भी प्रॉब्लम है ना, सब खत्म हो जाएंगी. ये आपको सुबह से लेकर रात तक में वो पानी खत्म करना है. जो आपका जो 3 लीटर या 4 लीटर का पानी जो भी है ना, उसको आपको गर्म करने के बाद ना वो पानी को पूरे दिन में वही पानी पीना है आपको बस. उसके बाद ना शायद आपको जो आपका डेली जो आप यूरिन जाते हो ना, उससे थोड़ा ज्यादा आपको वॉशरूम यूज करना होगा उसके बाद, पानी पीने के बाद. क्योंकि आपकी किडनी क्लेंज होती रहती है तो आपको बार बार वॉशरूम आएगा, तो वॉशरूम जाना जरूरी है. एंड आप उसके बाद ही आप रिजल्ट्स देख सकते हो. आपको जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी ना, वो सारी गायब हो जाएंगी. तो ये वाला आज मैं ट्राई करूंगी एंड आई एम 100% श्योर ये काम करता है क्योंकि मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है एंड इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं. तो इसको तो हम जनरली फेंक देते थे ना हमेशा, बट देखिए ये भी काम की चीज है. सो आज मैं आपको बस ये बता नहीं रही हूं, मैं आज आपको जाकर लाइव दिखाऊंगी, मैं बनाऊंगी एंड देन मैं पानी भी पीऊंगी इसका. तो मैं ये आपको दिखाने वाली हूं. तो चलिए शुरू करते हैं एंड मैं बनाने का भी दिखाऊंगी अभी कैसे बनाते हैं इसको. सो ये देखिए, ये रहा 1 लीटर की बॉटल. जो इतनी बड़ी फ्रिज में रखते हो ना आप, कोई भी ऐसी बॉटल लीजिए. एंड इसको मैं अभी इतने, यहाँ पे मैंने काफी बड़ा बर्तन लिया है तो अभी मैं इसमें ना ये वाला जो पानी है ना इसको पूरा डाल दूंगी. देखिए बस इतना सा पानी नहीं, इसमें मैं और ऐसी वाली और 2 बॉटल या फिर 3 बॉटल डालूंगी इसमें शायद. तो ये रही दूसरी वाली बॉटल, इसको भी अभी डाल रही हूं मैं इसमें.
अभी एक और डालूंगी। तो देखिए ये रही थर्ड बॉटल, तो इसको भी अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी हम ये तीन लोग पीने वाले हैं इसको, मैं, मम्मी और पापा, तो इसलिए मैंने तीन बॉटल डाली हैं। आई थिंक मैं इसमें और आधी बॉटल डाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है, तो इतने के लिए इतना 3.5 लीटर पानी तो काफी है। एंड मैं इसे तीनों बॉटल भर कर रख दूंगी ताकि हम तीनों ही एक दिन में इसको खत्म कर सके। ये देखिए अभी पानी है, अभी मैं इसको क्या करूंगी, सिंपल है, बस ये ले रही हूँ और इसमें इसको पूरा डाल दूंगी। एंड अब इसको क्या करूंगी, मैं पूरा इस तरीके से पानी में डुबो दूंगी। एंड ये धीरे धीरे ना पानी का कलर चेंज हो जाएगा अभी इसके बाद। 10 से 15 मिनट्स लगेगा इसको अच्छे से, थोड़ा सा आपको बॉइलिंग ना या साइड से दिखने लग जाएगा जब ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। पूरा आपको बॉइल नहीं करना है, बस या साइड से जब आपको दिखने लगेगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ किस पॉइंट पे बंद करना है इसको। एंड इसको बॉइल करने के बाद ना इसको मैं छान लूंगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी हो सकती है, क्योंकि भुट्टा ऑब्वियसली खेतों में उगता है तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी हो सकती है। एंड ऑल्सो जो नीचे थोड़े थोड़े इसके रेशे बच जाते हैं ना, तो वो तो आप पी नहीं पाओगे ना, तो इसलिए ना इसको मैं छान लूंगी थोड़ी देर बाद, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से। छान कर इसको बॉटल में भर कर रख दूंगी। एंड नीचे वाला पानी आप फेंक सकते हो क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड इसका टेस्ट कुछ खास नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि जब भी आप ऐसे कुछ हर्बल चीजें या फिर कुछ ऐसे क्या बोलते हो इसको, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो ना, जब हम ऐसी सारी चीजें यूज करके कुछ बनाते हैं ना, डेफिनेटली उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको टेस्ट चाहिए या फिर हेल्थ चाहिए, तो आप चूज कीजिए। मुझे तो हेल्थ चाहिए, तो इसलिए मैं जैसा भी टेस्ट करेगा ना, मैं इसको पीकर खत्म करूंगी ताकि मेरी किडनी क्लेंस हो जाए। सो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ इसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है। ओके ये देखिए उबल नहीं रहा है, बट हल्का हल्का सा यहाँ साइड से अगर आप देखोगे ना तो ऐसे झाग आने लगा है ना, तो एंड ऑल्सो इसमें से देखिए धुआं भी आ रहा है अभी। सो दैट मीन्स ये पूरी तरीके से डन है। इस टाइम पे ना आपको गैस ऑफ कर देना है एंड इसको इसमें ही रेस्ट करने दीजिए। एंड उसके बाद अभी देखिए पानी का कलर देखिए चेंज हो गया है, तो इस पानी को आपको पीना है ठंडा होने के बाद। तो ये थोड़ी देर बाद ना इसको ऐसे सेटल होने दीजिए एंड थोड़ी देर बाद ऐसे कोई चम्मच से ना इसको पूरा ऐसे निकाल लीजिए एंड इसको फेंक देना है। इसका काम हो चुका है, अभी आपको ये पानी को पीना है। तो आप इसमें देख सकते हो ऐसे ऐसे छोटे अभी रेशे है ना, तो इसको आपको छान लेना है। सो ये देखिए पानी तैयार है एंड मैं जैसे चावल का पानी होता है ना उबला हुआ, वैसा है ये। जो लोग नॉर्थ कर्नाटका के उनको पता लगेगा, गंजी का पानी होता है ना वैसा टेस्ट है, अच्छा है, मगर पी सकते हैं इसको, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये। सो ट्राई जरूर कीजिए।